आई लाइक इट, आई लाइक इट। हाँ आपकी पीली पीली था। अब यार आप आदिशिएशन नहीं हो और मैं आपकी गर्लफ्रेंड समझ लो मुझे, और मैं रजनीकांत नहीं हूँ जो आपको बोलूंगा आई लाइक इट आपकी पीली पीली दांत, आपको पप्पी देने आ जाऊंगा, आपके लिपटने। अरे गंदे लग रहे हैं, गुस्सा आ रहा है देख के। तो आज इसी चीज को सही करने आया हूं ताकि आपके दांत कभी पीले ना हो, या फिर अगर आपके दांत पीले हैं तो उनको सफेद करने के लिए आया हूं, ट्रिक्स बताने के लिए आया हूं, ताकि आपकी दांतों की चमकार की मुस्कुराहट को बरकरार रखने आया हूं, ताकि बुढ़ापे तक किसी भी रूम में जाओ तो बत्ती जल जाए। तो चलो वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले ऐसे मेथड्स की जो यूज करोगे आप जब आपके दांत पीले ऑलरेडी हो चुके हैं, सफेद करने हैं आपको। तो फर्स्ट मेथड होने वाला है, वो होने वाला है ऑयल पुलिंग। अब ऑयल पुलिंग आप कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और नमक से करने के लिए। उनको अपने डेली ब्रशिंग रूटीन में ऐड करो, लेकिन ब्रश और फ्लॉस करना नहीं छोड़ना। बोला ये कर लिया केल खत्म, ये काम नहीं करना है। ट्रेडिशनल मेथड है, मेरे पापा ने मेरे को बताया, लेकिन बहुत इफेक्टिव है दांतों को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने के लिए और पीलापन हटाने के लिए भी, गारंटी दे रहा हूं। जो सेकंड मेथड होने वाला है वो होने वाला है लेमन जूस और एप्पल साइडर विनेगर। क्योंकि दोनों एसिडिक हैं तो मैंने दोनों को साथ में बोल दिया। ये दोनों थोड़ा बहुत इरोड करेंगे पीलेपन को, आपके दांतों को भी इरोड कर देंगे, ये पहले ही बता रहा हूं। अगर ज्यादा यूज किया तो पागलपंती कोई भी मत करना आप मेरे भाई हो, मैं नहीं चाहता सब कुछ इरोड हो जाए और मसूड़े उड़ जाए, ये काम मत करना। जो थर्ड मेथड होने वाला है वो होने वाला है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, उसमें कार्बन होता है, डर्ट सक करेगा, पीलापन सक करेगा, चूस जाएगा पूरा चूस जाएगा आपके पीलेपन को। और जो लास्ट मेथड होने वाला है वो होने वाला है बेकिंग सोडा। ये मेथड थोड़ा सा हार्श होता है, तो एक हफ्ते में एक ही बार यूज करना। ऐसे नहीं कि भैया पूरे दिन में रगड़ते रहो रगड़ते रहो, एक हफ्ते में मसूड़े ही गए, मतलब मसूड़े पूरे रगड़ के छील दो, ये काम नहीं करना। एक हफ्ते में एक ही बार मेथड को यूज करना, ताकि वो बिल्कुल इरोड नहीं कर दे आपके मसूड़ों को, दांतों को ही सफेद करे, बस इतना ही रहना चाहिए। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताए हैं ये आपको ब्रश और फ्लॉस के साथ करने, ऐसे नहीं उसको उड़ा दो बोला बेकार है हट फ्लॉस, ये काम नहीं करना है। अब बात करते हैं अपन उन मेथड्स की, अगर आपके दांत पीले नहीं हुए तो उनको प्रिवेंट कैसे करना है पीले होने से। तो आपको टी, कॉफी, सोडा, इन सारी ड्रिंक्स को दूर रखो। वाह इससे तो एनर्जी आती है, नहीं 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 मेरे को तो ये चाहिए चाहिए। अरे यार उसके बिना भी काम चल जाएगा। और जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है अपना शुगर इनटेक को कम करो, क्योंकि शुगर बैक्टीरिया जमाती है अपने मुंह में एक तरीके का, उसका नाम याद नहीं है लेकिन बैक्टीरिया जमाती है, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करेगी आपके दांत को पीला बनाने में। जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है तंबाकू चबाना और सिगरेट पीना। ये मैं आपको वैसे ही मना करता हूं, उससे दांत भी पीले होंगे, तो प्लीज मत पियो, खुद की हेल्थ भी खराब कर रहे हो। जो फोर्थ पॉइंट होने वाले वो होने वाली जेनेटिक्स, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जाके अपने मम्मी पापा को ब्लेम करो। तो जो फिफ्थ पॉइंट होने वाले वो होने वाला है आप कैल्शियम बहुत कम ले रहे हो, उसकी वजह से आपका जो इनेमल है वो इरोड हो चुका है और डेंटिन बाहर आ चुका है जो येलोइश ब्राउन दिखता है, इसलिए आपके दांत पीले लग रहे हैं। और जो सिक्स पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है ड्राई माउथ, जिससे बैक्टीरिया जम रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हो, इतना आलसीपन क्यों कर रहे हो, मत करो प्लीज पानी पीना शुरू करो, इससे ही बहुत ड्राई माउथ नहीं होगा तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। और जो सेवन पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है आपको फ्लोराइड कंजम्पशन कम करना, मतलब पानी में फ्लोराइड आता है गंदे पानी में, तो थोड़ा प्योरीफाई करके पियो। तो जो एट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है आपकी उम्र, एज फैक्टर बीच में आ रहा है, बुढ़ापा बीच बेटा ये बीच में आ रहा है, तो इसकी वजह से आपके दांत पीले हो रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एज फैक्टर है। लास्ट पॉइंट होने वाला है आपके माउथ वॉशेस, मतलब आप जो चीजें यूज कर रहे हो उसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, ढंग की क्वालिटी का यूज नहीं करे, तो अच्छी क्वालिटी का यूज करो, थोड़ा पैसे खर्च करो, कंजूस मत करो। ये था मेरा लास्ट पॉइंट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।